हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्तोज डेली ब्लॉग। तो आज हम आए हैं श्री श्री 108 जंगली बाबा मंदिर, जो आपका बागडोगरा से थोड़ा दूर जाके एक जंगल के अंदर है। तो ये देखिए दोस्तों, कितना भीड़ जमा है इधर। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, तो इसमें पहले सोमवार में भी बहुत भीड़ हुआ था, इस सोमवार में भी बहुत भीड़ हुआ श्री श्री 108 जंगली बाबा मंदिर। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं मंदिर के अंदर। देखिए बम्बू से बैरिकेड किया है इस बार, लेकिन पिछले साल ऐसे नहीं हुआ था। इस बार थोड़ा सा मतलब गेट उट बनाया है, ये जो सेट देख रहे हैं ये भी नया बना है। तो यहाँ पर बहुत दर्शनार्थी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, गाड़ी से आते हैं। बहुत अच्छा जगह है, लोकेशन अच्छा है। आप लोग यह नज़दीक का जिसका घर है, जिनका घर है, वो आ सकते हैं इधर सोमवार को। अभी 6 सोमवार और बाकी है, मतलब 6 सोमवार इससे मतलब लास्ट में जो सोमवार होते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पत्थर का सांप बना रखा है, इसमें सारे दूध चढ़ रखा है। ये त्रिशूल है, ये पेड़ जो है ये बहुत पुराना पेड़ है, इसी में सारे लोग धागा बांध रहे मनोकामना पूर्ण होने के लिए। स्कूल में लेकर बहुत बढ़िया जगह है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम मंदिर के जस्ट सामने हैं, जो बाबा का गर्भगृह है उसी के जस्ट सामने हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉन बंगाली लोग ज़्यादा आते हैं, तो हम भी आज चले गए थे, थोड़ा लेट गए थे, लेकिन अच्छा लगा, थोड़ा भीड़ कम मिला मेरे को। दोपहर के टाइम में मतलब 12 बजे से पहले पहले बहुत भीड़ हुआ था इधर, और ये शाम को 5 बजे तक बंद हो जाता है, क्योंकि जंगल के अंदर है, प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए शाम को 5 बजे तक बंद कर देता है। तो चलिए अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग अंदर आ गए। देखिए कितना शरणार्थी इधर आ रखा है, सारे इसमें अभी जल चढ़ाएगा। देखिए यहाँ का जो बाबा का लिंग है वो नीचे है, मंदिर में जैसे ऊपर में रहता है, लेकिन ये डाउन में नीचे है। यहाँ पे देखिए सारे देवता इधर है, गणेश जी है, ये माता जी है। अभी देखिए, ये देखिए दोस्तों, नीचे है मतलब 2 फीट नीचे है, और सफ़ेद कलर का मतलब बाबा जी का जो लिंग है सफ़ेद कलर का है। देखिए दोस्तों, इधर पानी डाल रहे हैं, इधर दही डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अंदर का है, लाइट लगा है पूरा, एकदम लाइटिंग बढ़िया बढ़िया लाइटिंग लगा है, डीजे जैसे लाइटिंग चल रहा है अंदर, अच्छा है एकदम। ये थोड़ा बारिश हुआ है इसलिए दिक्कत हो गया सबको, लेकिन ये देखिए साफ सफाई का भी मतलब काम चल रहा है साथों साथ। जैसे भी जैसे ही दर्शनार्थी आ रहे जा रहे हैं उसी टाइम मतलब ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, तो साफ सफाई करने में इधर का जो मंदिर का स्टाफ है वो लोग है। ये आपका नंदी जी है, ये देखिए नंदी जी है। इस नंदी जी के कानों में जैसे ये बोल रही है, ऐसे बोलने से मनोकामना पूर्ण होता है। देखिए ऐसे बोल रहा है, ये एक दीदी है बोल रहे जो। तो ये देखिए दोस्तों, ये बाहर का साइड का व्यू है, ये आपका एग्जिट साइड का, मतलब एक साइड से घुसाने का मेन गेट से, और ये बाहर साइड से। ये हनुमान जी का मंदिर है, जस्ट उसका पास में ही है। ये देखिए हनुमान जी है, तो चलेंगे थोड़ा हनुमान जी के सामने से दर्शन करते हैं। ये देखिए दोस्तों हनुमान जी, देखिए कितना मोमबत्ती अगरबत्ती जला रखा है। Thank you.
देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया है, इधर का चारों तरफ जंगल है और ये आपका सीता मैया, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सारे एक साथ है इधर। ये मंदिर है उनका, राम जी का मंदिर है। यहाँ पे खिचड़ी भी बांट रहे हैं, खिचड़ी प्रसाद। जो जो दूर से आए वो लोग इधर मतलब खिचड़ी ले रहे हैं। ये जो ट्यूबवेल है ना, ऑटोमेटिक इसमें से पानी निकलते रहते हैं। शायद वो कुआ जो है उसमें शायद मोटर लगा रखा है, लेकिन मोटर का भी आवाज़ नहीं आता कभी। ये देखिए यहाँ पे जग वगैरह, यहाँ पे आपको अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने के लिए इधर एक स्थल बनाया है। अंदर जो बाबा जी के गर्भगृह है उसमें मोमबत्ती अगरबत्ती लगाना मना है, इसलिए इधर ये बनाया है। और ये देखिए ये भी एक नया बना है, इससे पिछले साल हम गए थे इसमें था नहीं है। ये भी बाबा जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया है, बाबा जी का मूर्ति लगाया है इधर। इनके सामने भी ये देखिए मोमबत्ती अगरबत्ती नारियल बेल धोत्रा भांग जो जो बाबा जी का प्रिय चीज़ है वो पूरा इधर चढ़ाया है। ये देखिए बाबा जी के पैर छू के प्रणाम कर रहे इधर। ये देखिए दोस्तों जंगल और ये देखिए बंदर, ये बहुत सारे बंदर है। देखिए वहाँ पे बंदर जो चुन चुन के खा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आइए इधर घूम लोग घूमने के लिए इधर, मतलब जो जो लोकल है इधर का अच्छा लगेगा। सोम ऐसे तो डेली पूजा होता है, लेकिन अभी जो श्रावण का महीना है सोमवार, ये बाहर का गेट है देखिए, तो सोमवार को भीड़ ज़्यादा होगा। अभी अभी 6 सोमवार और बाकी है, तो अभी हम बाहर निकल गए। देखिए दोस्तों ये देखिए गेट, बाहर वाला गेट, ये दूसरा गेट है। वो जो लिखा था उधर 108 श्री श्री जंगली बाबा मंदिर, वो एक गेट है और ये बाहर का गेट है। ये हम इधर से गए थे। देखिए दोस्तों रास्ता कितना ख़राब है बारिश के मौसम के लिए। ये रोड आपका जाएगा मेन रोड इधर से सीधा। देखिए जंगल देखिए दोस्तों कितना। तो कैसे लगे मेरे वीडियो, मतलब देखिए अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। और ये जो है ये सीधा जंगल में जा रहा है, और आपका जो लेफ्ट साइड में है ये जा रहा है जंगली बाबा मंदिर में, और ये जो गाड़ी आया ये आ रहा है मेन रोड से जो बागडोगरा होते हुए। अभी जाएंगे बागडोगर की तरफ, देखते हैं आप लोगों को रोड दिखाता हूँ कहाँ से किधर से आना है। देखिए दोस्तों तो प्लीज़ हम नया चैनल बनाए हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, सपोर्ट बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। ये देखिए दोस्तों अभी हम मेन रोड पे आ गए, मेन रोड तो नहीं मतलब ये जो जंगल का अंदर से जो मेन रोड हो वही है। ये देखिए दोस्तों उधर से भी जा सकते, जो सीधा लगा है पार्किंग का इधर एरो मार्क दे रखा है, इसलिए सारे इधर जा रहे हैं। तो और ये वाला रोड है बागडोगरा से आ रहे हैं, तो अभी हम लोग इधर जाएंगे। ये देखिए बीच में से एक नाला आए हैं जो पहाड़ी से आ रहे हैं पानी, बहुत ठंडा पानी है यहाँ का। ये देखिए दोस्तों सारे इधर घूम रहे जो जो आए हैं इधर, इधर फोटो भी खींच रहे थे बहुत। देखिए दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पे इस बार नया बना है, जो आपका मेन रोड है जो नेपाल जाने वाला और सिलीगुड़ी जाने वाला जो रोड है, वहाँ से जस्ट उतरते ही ये लोग इस बार टिकट बनाया है। ये इस बार नया बना है जो पिछले साल नहीं था। ठीक है दोस्तों तो अभी जा रहे हैं हम बागडोगरा तरफ। तो हर सोमवार को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होता है। ये देखिए दोस्तों ये आपका मेन रोड है जो जाने वाला जंगल की तरफ जो जा रहा है, ये रोड है जो जंगली बाबा मंदिर की तरफ जा रहा है। जस्ट यहाँ से उतरते ही वो ये और ये रोड है, ये जो आपका राइट साइड में जा रहे हैं नेपाल में, और ये जो लेफ्ट साइड में सिलीगुड़ी में जा रहे हैं। अभी इस बार मेन रोड के जस्ट बगल में ये मेला लगा है, पिछले साल वो मंदिर के साइड में था, पता नहीं इस बार उधर शायद गंदगी ज़्यादा हो रहा था इसलिए इधर लगाने के लिए बोला।
और यहाँ का जो स्टाफ बार बार घूमने के लिए आया है इधर, और बोल रहे कि यहाँ पे पॉलीथीन मत फेंका करो, जिसका जिसका पॉलीथीन है जिसका दुकान के सामने पड़ा है वो उठा के डस्टबिन में रखे, ताकि लास्ट में जला दे या तो कोई गाड़ी आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये चूड़ा है, लंबा लंबा चूड़ा, आम बिक्री करे, जिलेबी, गजा, ये गन्ने का जूस का दुकान, ये खिलौना का दुकान, और इधर बादल भी हो रखा है बहुत सारा। तो हम जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने के लिए आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना सारे दुकान लगा है इधर, देखिए कितना बादल हो रखा है, बारिश आने वाला है। तो दोस्तों कैसे लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, नहीं तो हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि हम कैसे वीडियो बना रहे, कोई गलती होगा, कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जैसे मैं तो बंगाली हूँ तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकते है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और देखते रहिए मेरे वीडियो, ऐसे नया नया वीडियो मैं डालते रहूँगा, डेली एक नया नया वीडियो, नया नया लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए जय भोले बाबा की जय।